नमस्कार, आप देख रहे हैं रियासी जेके न्यूज़। मैं हूँ रामस्वरूप शर्मा। आपको बता दें, पौनी की पहाड़ियों में लगातार आग लग रही है और प्रतिदिन ये आग जो है वो लगाता है। आखिर लगाता कौन है? DFO मैडम की हम सराहना करेंगे, जो जगह जगह पहाड़ियों में आग लगती हैं और जगह जगह अपनी टीम को भेजते हैं। कल ही सुनने में आया था जो द्रमण की पहाड़ियों में आग लगी थी और DFO मैडम रात को आई थी और उन्होंने आग बुझाई थी। उसके बाद जगह जगह पर आग लगता है, ऐसा कोई भी यंत्र नहीं बना है जो ये पता लगाया जाए कि आखिर ये आग जो है लगाता कौन है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये लोग आग लगाते क्यों हैं? आज सोर्सेज वालों से पता चला है कि ये लोग आग इसलिए लगाते हैं कि जो उन्होंने माल मवेशी रखे होते हैं उनके लिए घास ये लेने जाते हैं, क्योंकि जब बारिशें होती हैं तो उसके बाद जो घास है वो ज़्यादा अच्छा उगता है, उसी कारण ये लोग आग लगाते हैं। लेकिन आग लगाने वाला व्यक्ति ये नहीं सोचता कि वो कितने पाप का बागी बन रहा है, क्योंकि लाखों करोड़ों जो जीव हैं पेड़ों को तो आग लगाते हैं, वो राख कर देते हैं। आखिर वन विभाग को कितना नुकसान हो रहा है इसका ये अंदाज़ा नहीं लगाते। और जो छोटे छोटे पंछी हैं, अनेक किस्म के जीव जंतु हैं जिन्हें आग के हवाले कर दिया जाता है और वो मर जाते हैं। आखिर ये व्यक्ति ये नहीं सोचते कि वो कितने पाप का बागी बन रहे हैं। आप फिलहाल तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो लगातार आग बुझाने का काम जो है वो कर रहे हैं। कड़ी